नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीता मिश्रा, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। देवी पाटन मंडल ब्यूरो चीफ। 39 लाख की मार्फिन के साथ एक नेपाली तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसएसबी के इंस्पेक्टर विपिन कुमार व रुपई डी कोतवाल मधुपनाथ मिश्रा के ज्वाइंट ऑपरेशन से तस्करों में मचा हाहाकार। भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण भारत व नेपाल के तस्करों की चहलकदमी बनी रहती है। इस चहलकदमी पर बेड़िया डालने के लिए सरकार काफी गंभीर रहती है और समय समय पर अधिकारियों को निर्देश भी देती है। उसी निर्देश को गंभीरता से एसएसबी के जवानों ने लिया और एक नेपाली तस्कर को 39 लाख मादक पदार्थ के साथ दबोच लिया। जनपद बहराइच के रुपईडीहा में एसएसबी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी अपराध व अपराधियों को रोकथाम के संबंध में एसएसबी चेक पोस्ट पर संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं की चेकिंग के दौरान लाल बहादुर सोनार पुत्र तेज बहादुर सोनार निवासी मनकापुर थाना गनापुर जिला बांके राष्ट्र नेपाल के पास से 39 ग्राम नाजायज मार्फिन के बीती रात एसएसबी के जवानों ने दबोच लिया और निकटतम थाना रुपईडीहा में पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उक्त अपराध के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 66/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया है, जहां से ये कल रात 8 बजे एक नेपाली युवक है, एसएसबी चेक पोस्ट पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 39 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जा रहा है। उससे गहन पूछताछ की गई है और लोगों के भी नाम पता लगे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।